Bismillahirrahmanirrahim. Hey, I'm Nas. I'm from MK Preparations, and today we're going to discuss about phylum Hemichordata and chordata. So, students and candidates, this topic is very, very much important. It's a topic or different, the students have jinhone pre-medical exams एफ एस सी प्री मेडिकल के एग्जाम्स दिए हैं एंड नाउ दे वॉन्ट टू सिक्योर एडमिशन इन एम बी बी एस इन बी डी एस इन फॉर्मेसी इन डी पी टी और इन एनी अदर अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट सो दे कैन वॉच दिस वीडियो इट वुड बी वेरी हेल्पफुलिस्योर एडमिशन इन एनी ऑफ द फील्ड रिलेटेड टू मेडिकल एज वेल एज डिफरेंट कैंडिडेट्स अ गवर्नमेंट जॉब थ्रू दिटिव एग्जाम्स लाइक द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बी पी एस सी और थ्रू द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी और थ्रू द खैर पखतुन ख्वा के पी पी एस सी और बलोचिस्तान बी पी एस सी सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल्स एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ द कैंडिडेट तो स्टूडेंट्स तो इसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज it includes the general characteristics of the hemichordates and the chordates and then the classification of the hemichordates and chordates and uh, at the end we'll discuss about the form and function of the hemichordates and chordates the material included in these slides have been taken from the different source books which includes the fsc biology federal biology zoology miller and harley एडिशन, कैम्बेल बायोलॉजी रावन बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं एम डी कैट के प्रेपरेशन के लिए या आप जो है वो एफ पी एस सी पी पी एस सी के पी पी एस सी इन सब की प्रेपरेशन के लिए सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं सो एट दफ दिस वीडियो आपको एक कॉन्टेक्ट शेयर किया जाएगा सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन डेट नंबर

वे स्टडी अबाउट द फाइलम कोर डेटा फाइलम कोर डेटा उनकी क्लासेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन दब फाइलम यूरोटा सब फाइलम सीफेलो कोर डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ऊपर एक एक वर्टिब्रेट के ऊपर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है सो यू कैन वॉच दीज वीडियोज आज हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम सीफेलो कॉर डेटा तक की डिटेल्स इस वीडियो में ठीक है एड किए गए हैं फॉर यगजामॉजी पास वन से टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक जी पी एस सी की तरफ से जितने भी जोलॉजी के पेपर्स कंडक्ट किए गए हैं उनमें जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं टू दैमी कॉर्डेट एंड दिन ओके जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फायलोजेटिक रिलेशनशिप अगर हम फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखें तो कौर्डेट, कौर्डेट और इस सब है, ठीक है? हमारे पास organisms को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है और ये जो हमारे पास ग्रुप है इसमें ड्यूटीरोम्स आते हैं ओके ये कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनके पास डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ठीक है नोटोकोर्ड प्रेजेंट है इनकी बॉडी में एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है गिल पाउचिस जिन्हें कहा जाता है पोस्ट एनल टेल है इनमें गिल स्लिट्स जो द ओनली प्रेजेंट इन नर्व ना इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम्पीशीज दैट्स वाई दॉर्डियट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दैन इनो डे नाउ इबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द Hemichordates and the chordates. So, first of all, we'll study about the three classes of the hemichordata. The first one is the class Antidonista. Second one is the class Planktospheroidea. Third one is the class Pterobranchia. Now, we'll study about the three subphylums of the phylum chordata. The first one is the subphylum Eurochordata. Then the subphylum cephalocordata And the third one is the subphylum Vertebrata. Okay. Now uh, we have the subphylum Eurochordata classes. So the subphylum Eurochordata is divided into four classes. The first one is a CDAC. Second one is class Appendicularia. Third one is class Sorberaceae. And the fourth one is class Thaliaceae. तो ये चार क्लासेस हैं जो कि फाइलम कोरडेटा के सब फायलम यूरोडाटा में इंक्लूडेड हैं ओके नाउ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा अब हम इसकी बात करते हैं इसमें टोटल जो है वो हमारे पास क्लासेस हैं फॉलोइंग फर्स्ट वन इज पैला स्पीडोमोरफाई सेकेंड वन इज क्लास मिक्साइनी थर्ड वन इज क्लास कॉन्वेक्ट थाइस फोर्थ वन इज क्लास ओस्टिक थाइस फिफ्थ वन इज क्लास एम्फीबिया

Uh, जो है वो फोर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिलर एंड हार्डली फिफ्थ एडिशन आप इसमें भी देख सकते हैं फाइलम हेमिकॉर है ठीक है इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है फ़ाइलम कॉर्डेटा है इसको दो uh, तीन सब फ़ाइलम्स में डिवाइड किया गया है और फिर ईच सब फाइलम की जो वो है वो फर्दर क्लासेस हैं हमारे पास ठीक है और ये मिलर एंड हार्ले एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ जो है वो चेंजिंग किए गए हैं रिलेटेड द द क्लासिफिकेशन ओके नाउ आई मूविंग डिटेल्स ऑफ पहले तो हम फाइलम को देखेंगे ठीक है और हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी फॉर्म एंड फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे तो फर्स्ट वन इज द फाइलम हेमिंग कॉर्डेटा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी कि तमाम मेंबर्स जो है वो एनवायरनमेंट है बॉडी जो है इनमें फेरेंजियल गिल्सलेट प्रेजेंट है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है प्लस इनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड है बॉडी की डोर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है इसमें एग्जांपल है हमारे पास एकॉर्न वर्म्स की जो बिलोंग करते हैं क्लास एंटीरोनिस्टा से एंड देन टेरोब्रैंक्स की जो बिलोंग करते हैं क्लास टेरोब्रैंकिया से ओके okay? तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम हेमीकोर्डेटा की नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द थ्री क्लासेस ऑफ द फाइलम हेमीकोर्डेटा तो फर्स्ट क्लास जो थी वो हमारे पास से क्लास एंटिरोनिस्टा इनको हम एकोन वर्म्स भी कहते हैं और इसमें एग्जांपल्स हैं बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस एंड देर आर ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज ऑफ द एंटिरोनिस्टा ओके सो नाउ देयर फॉर्म एंड फंक्शन सो देयर हैबिटेट इज मैरीन और इनका जो साइज है वो 10 से 40 सेंटीमीटर तक तो होता है ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज है इनकी शेप्ड इनकी बॉडी है और ये सैंडी और मडी सब में प्रेजेंट होते हैं ठीक है इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थ्री हैं प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक एंड देन प्रोबोसिस क्या है जी ये शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन है एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी दिस वन इज शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन है ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी कॉलर कॉलर जो है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एज यू कैन सी हियर ठीक है ये जो है वो प्रोबोसिस से बैक साइड पे प्रेजेंट है एंड ट्रंक लास्ट वन इज द ट्रंक ट्रंक एक इलांगेटेड पोर्शन है इसके बैक पूरा जो पोर्शन होगा वो ट्रंक का होगा ठीक है सिलियेटेड एपिडर्मिस एंड ग्लैंड सेल्स कवर दर्म जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एपिडर्मिसटेड एपिडर्मिस होती है और ग्लैंड सेल्स होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं और माउथ इनका जो है लोकेटेड है बिटवीन द प्रोबोसिस एंड द कॉलर तो प्रोबोसिस और कॉलर के दरमियान माउथ लोकेटेड है एंड देन इनमें ना देंटे फंक्शन सो द फर्स्ट वन इज देयर न्यूट्रीशन की ये न्यूट्रीशन इनकी कैसी होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है तो इनमें इंजेक्शन यानी इन्होंने फूड कैसे इनकल्फ करनी है विद देल्प ऑफ सीलिया एंड म्यूकस ठीक है सीलिया की बीटिंग की हेल्प से जो फूड का पार्टिकल है वो इनमें ट्रैप हो जाता है म्यूकस की वजह से ठीक है एंड देन म्यूकस कवर द प्रोबोसिस अटैचेस द डेट्रिटस एंड अदर पार्टिकल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली बाय द टफ्ट ऑफ सीलिया ठीक है सीलिया जो कि एपिडर्मिस इनकी जो है वो सिलिएटेड है तो सीलिया की बीटिंग की वजह से फूड के पार्टिकल्स ट्रैप होंगे एंड देन वेंट्रली माउथ से होते हुए फिर फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कर जाएंगे डाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनमें सिंपल ट्यूब होती है हैं ठीक है ये इनकी गट की ही एक्सटेंशन होती हैं और इनका फंक्शन होता है एंजाइम्स को रिलीज करना डाइजेशन अब अगर नर्वस सिस्टम की बात की बात जाए तो इनके नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है ठीक है और इसमें दो तरह की नर्व ट्रैक्ट हैं एक तो डोर्सल नर्व ट्रैक्ट है जिस वन डोर्सल नर्व कोड और एक वेंट्रल नर्व कोड है या वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट है ठीक है और कुछ जो तो स्पीशीज है इनमें डोर्सल नर्व ट्यूब्यूलर है एंड कंटेन द जंट नर्व फाइबर्स फॉर द रैपिड इंपल्स नो मेजर गैंगलिया इनमें कोई स्पेसिफिक गैंगलिया नहीं होते और सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो अनस्पेशलाइज हैं पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड uh, है नाउ नेक्स्ट इज रेस्परेशन एंड एक्सक्रीशन सो इफ टॉक अबाउट द रेस्परेशन तो इनमें रेस्परेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं ठीक है जो गैसेज हैं रेस्परेटरी गैसेज वो डिफ्यूजन के जरिए बॉडी के अक्रॉस मूव आउट करती हैं एंड एक्सक्रीशन uh, के लिए जो इनका प्रिंसिपल एक्सप्रेटरी वेस्ट है दैट इज अमोनिया ओके एंड दिस अमोनिया ओके सो द रेस्परेटरी गैसेज आर ऑल्सो एक्सचेंज बाय द फेरेंजियल ग्रेट्स विद द हेल्प ऑफ द सीलिया ठीक है तो इनमें जो रेस्परेटरी गैसेज हैं वो फेरेंजियल गिल्सलिट्स के थ्रू भी एक्सचेंज आउट हो रही हैं एंड देन द बिटवीन द वॉटर एंड द ब्लड साइनसेज द गैसेज आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड वॉस्पुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है जी और इनमें दो ब्लड वेसल्स हैं एक डोरसल और एक वेंट्रल कॉन्टेक्ट आयल ब्लड वेसल इनमें प्रेजेंट है ठीक है एंड ब्लड मूव एंटीरियरली इन द डोरसल एंड पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेल ये पॉइंट आपने जहन में रखना है इसकी जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन ब्रांचेस फ्रॉम द वेसल एंटर इन टू द साइनसिस साइनसिस बॉडी कैविटीज हैं इनमें ये ब्रांचेस ओपन होंगी जो कि डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल से रिलीज आउट हो रही हैं ठीक है और फिर जो ब्लड है इट विल फ्लो एंटीरियरली इन द डोल वेसल एंड इट विल पास इन टू दीज ऑफ द ब्लड साइनसिस जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है ग्लोमेरुलस जो है वो एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी ग्लोमेरुलस इसी ग्लोमेरुलस में इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी फिल्टर आउट हो रहा है ठीक है और फिर प्रोबोसिस की वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके जरिए से एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है ठीक है इनमें रेस्परेशन के लिए सिंपल डिफ्यूजन और रेस्परेटरी वेस्ट जो है वो अमोनिया है प्लस फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो हैं ये भी रेस्परेटरी हमारे पास है, रेस्परेटरी स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है एंड ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम इनके पास एक डोर्सल एक और एक कॉन्टेक्ट ब्लड वेसल है ओके ब्लड इनका जो है वो कलरलेस है और इसमें सेलुलर एलिमेंट्स एबसेंट हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी इज डन बाय दिस ब्लड वास्कुलर सिस्टम नाउ द फर्दर इज द रिप्रोडक्शन एंड द डिपमेंट अगर हम इसको देखें तो ये डायशियस है ठीक है इनमें टू रोल्स हैं के दैट इन द बॉडी वॉल इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक जो ट्रंक की इंटीरियर साइड है वहां पे दो रोज होती हैं गोनेड्स की ठीक है और फिर ग्लैंड्स जो है दे ओपन सेपरेटली आउटसाइड द बॉडी

नाउ विल हैव द सेकंड क्लास टेरो और इसमें एग्जाम्पल है रेप्टोप्लेरा की देर आर टोटल ट्वेंटी स्पीशीज ऑफ द्रेंकिया तो पहले हम इनके जेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी इनका हैबिटेट क्या है ये डीप ओशन वाटर में पाए जाते हैं ठीक है ये स्मॉलेस्ट क्लास है हेमिको की विथ ट्वेंटी स्पीशीज एंड इनका जो साइज है इसकी रेंज होती है पॉइंट वन से फाइव मिलीमीटर और बॉडी को थ्री रीजन में डिवाइड किया गया है प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक एज यू कैन सी हियर दिस वन इज़ द प्रोबोसिस दिस वन इज कॉलर एंड देन द पोर्शन इज द ट्रंक ओके तो ना अब हम स्टडी करेंगे इनके मेंटेनेंस फंक्शंस के बारे में तो ये यूज करते हैं वाटर करंट्स को दैट आर जनरेटेड बाय सीलिया ऑन देयर आर्म एंड टेंटिकल्स ये इनकी आर्म है ठीक है और ये टेंटिकल्स हैं इन पे छोटे छोटे सीलिया हैं सीलिया की बीटिंग की वजह से वाटर करंट्स जनरेट होंगे और यही वाटर करंट्स को ये यूज करते हैं फूड पार्टिकल्स ट्रैप करने के लिए ठीक है और गैसेस और वेस्ट जो है दे आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड एक जीनस है इनका जिसमें एक सिंगल पेयर होता है फेरेंजियल स्लिट्स का एंड दे फॉर्म कॉलोनीज बाय ए सेक्सुअल बर्डिंग ठीक है मोस्ट स्पीशीज जो है इनकी वो डायशियस है विद टू गोनेट्स इन द एंटीरियर ट्रंक रीजन इनका जो लार्वा है उसको हम कहते हैं प्लेन्यूला प्लेन्यूल लाइक लार्वा होता है प्लेन्यूला एक्चुअली सिलेंट्रेट्स का लार्वा है नाइडेरियंस का लार्वा है और इनका जो लार्वा है वो भी बिल्कुल प्लेन्यूला लाइक -like लार्वा ही है नाउ प्लैंक्टोस्फिरोइनी और इसमें हमारे पास जो तो एग्जाम्पल है वो है प्लैक्टोरा तो अब हम स्टडी करेंगे जी फाइलम कॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा जो है ऑलमोस्ट इनकी फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज हैं ये वेरी सक्सेसफुल ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का एंड इनकी सिमेट्री है ड्यूटेरोस्टोम्स हैं नोटोकोड प्रेजेंट है है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इनमें फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट है और डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड है बॉडी में एंड एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है ठीक है एंडोस्टाइल है एंडोस्टाइल बेसिकली जो है वो हमारे पास

अब हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे की, के क्या है? एक -like है, है? जो कि स्टार्ट होता है आ बिल्कुल हमारे टर्मिनेट होगा ठीक है और इसमें होता क्या है एक शीत है और शीत के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लूड फिल्ड वैक्यूलेटेड सेल्स ठीक है और लेंथ वाइज इस तरीके से ये नोटोकॉड पूरी बॉडी में रन कर रही है

जो उनकी अंडुलेशन फिश की बॉडी में जो वेस्ट क्रिएट हो रही है वो एक्चुअली की वजह से है और जो इसकी कार्टिलेज या बोन है इट्स बीन रिप्लेस्ड बाय द दोटोकोड इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स गिल की अगर बात की जाए तो ये सीरीज हैं ऑफ द लेटर ओपनिंग्स बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटसाइड द बॉडी ठीक है तो बॉडी का आउटर पोर्शन और बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये प्रेजेंट होती हैं सीरीज ऑफ द लेटल ओपनिंग्स ठीक है और इनका काम होता है फीडिंग करना एज वेल एज गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है ठीक है डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट है और इसका इंटीरियर एंड मॉडिफाई हो चुका है ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसरी परसेप्शन के लिए भी यूज होता है इंटीग्रेशन के लिए भी और मोटर रिस्पॉन्स के लिए भी ब्रेन में एक पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है ना विल स्टडी अबाउट द सब फाइलम्स ऑफ द फाइलम और डेटा ठीक है हमारे पास फाइलम फॉर डेटा के जो है वो तीन सब फाइलम्स फाइलम सब फाइलम यूरोम सीफेलोकॉर डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है सब फाइलम डेटा और इसमें एग्जांपल्स हैं सी स्क्वर्ड्स और ट्यूनिकेट्स की ओके जी तो सब फाइलम द सी स्क्वर्ड्स और ट्यूनिकेट्स इनकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे इनके हैबिटेट को देखें तो सिसाइल है ठीक है एंड सोलिट्री अलग अलग से भी ये रह सकते हैं और बॉडी -like जो अन अटैच एंड है ये पोर्शन जो है वो इनका अटैच होता है सबस्टेट के साथ और ये जो एंटीरियर एंड है अन अटैच एंड है वहां पे दो साइफन प्रेजेंट हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर एक साइफन को हम कहते हैं औरल साइफन ये इनलेट का काम करता है यहाँ से बॉडी में वॉटर एंटर होगा ठीक है एंड देन द सेकेंड वन इज द एट्रियल साइफन एज यू कैन सी हेर दिस वन इज द एट्रियल साइफन ये आउटलेट का काम करता है यहां से वॉटर the का का बॉडी से बाहर रिलीज आउट होगा ठीक है ट्यूनिक इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिक कहा जाता है एस यू कैन सी हेयर ट्यूनिक जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है और जेल लाइक -like, दिखने में लगता है जेल लाइक स्ट्रक्चर है और टफ स्ट्रक्चर होता है ये एंड एंड इसको एपिडर्मिस करती है है और इसकी में सेलुलोज ठीक है, है फिर कुछ ट्यूनिक की कुछ रूट लाइक एक्सटेंशन होती हैं जिन्हें स्टोलॉन्स कहा जाता है एज यू कैन सी ये ट्यूनिक की कुछ रूट लाइक एक्सटेंशन हैं इन्हें स्टोलॉन्स कहा जाता है यही वो जगह है जहां से एक ट्यूनिकेट जो है वो सबस्टेट के साथ अटैच होगा नाउ द मेंटेनेंस फंक्शंस ओके सो फर्स्ट वन इज लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ठीक है और मसल्स की हेल्प से अपनी शेप को ये चेंज करते हैं अगेंस्ट अगेंस्ट द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नर्व सिस्टम की बात की जाए तो इनमें जो है वो एक नर्व प्लेक्सस यानी नर्व का नेटवर्क है इनकी बॉडी वॉल में एंड सिंगल गैंगलियन है लोकेटेड इन द बॉडी वॉल ऑफ द द ऑरल एंड एट्रियल ओपनिंग सो यू कैन सी हेयर ये ऑरल ओपनिंग है सिंगल गैंगलियन प्रेजेंट है न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो इनके पास लार्ज फेरिंग्स है और एक कैिटी है जिसको एट्रियम कहा जाता है तो ये कैिटी जो एट्रीय है ये तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एंटायर कैविटी जो है वो डार्क ब्राउन कलर की ये एट्रियम है ठीक है लेकिन फेरिंग्स फेरिंग्स जो तो है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है साइफन से इसलिए यहाँ पे उसको हाईलाइट नहीं किया गया बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है वो टॉप व्यू है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है तो यहाँ पे फेरिंग्स को हाईलाइट कर दिया गया है और यहाँ पे बेसिकली यानी ओरल साइफन से ही ये स्टार्ट होता है ठीक है एट्रियम ओके सो मार्जिन ऑफ द फेरिंग्स हैज टेंटिकल्स तो इसके ओरल मार्जिन पे कुछ टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं ये जो एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है दीज आर टेंटिकल्स

और फिर फेरिंग्स है और फेरिंग्स में जो है वो फेरेंजियल स्लिट्स हैं जिन्हें स्टिग्मास कहा जाता है यहां से वाटर सर्कुलेट करने के बाद मूव करेगा एट्रियम में एंड देन एट्रियम से फिर जो है वो एट्रियल साइफन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा ओके okay जी नाउ एम मूविंग टूवर्ड्स द डाइजेस्टिव ट्रैक तो फेरिंग्स जो है इट विल ओपन इन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका लास्ट पोर्शन होता है एनस इनमें फेरिंग्स के बाद आ जाता है यू कैन सी हियर दिस वन इज द स्टमक और स्टमक से फिर ये इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के बाद है एनेर्स तो ये इसके पोर्शंस हैं एंड एक वेंट्रल सलिएटेड ग्रूव प्रेजेंट है इनके फेरिंग्स में जिसको एंडोस्टाइल कहा जाता है ठीक है वेंट्रल सलिएटेड ग्रूव है as you can see here, ये एंडोस्टाइल यहां मार्क किया गया है ठीक है और यहां पे भी ये एंडोस्टाइल है ये एक वेंट्रल बॉडी की वेंट्रल साइड पे एक सिलिएटेड ग्रूव होता है डिप्रेशन है इसको एंडोस्टाइल कहा जाता है इसका फंक्शन होता है जी म्यूकस शीट को बनाना ठीक है ड्यूरिंग द फीडिंग ताकि वो म्यूकस सिलिय के ऊपर स्प्रेड हो जाए और सिले की बीटिंग की वजह से फूड के पार्टिकल्स उनके साथ अटैच हो जाए ठीक है फूड जो है इट इज ट्रैप्ड बाय द वाटर बाय ओरल साइफन यानी जो वाटर एंटर होगा ओरल साइफन से

फ्राम द औरल साइफन फूड के पार्टिकल्स आएँगे एंडोस्टाइल जो है वो म्यूकस रिलीज करेगा और म्यूकस जो है वो इस स्टिग्मा यानी फेरेंजलिट्स के सीलिया के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाएगा फूड के पार्टिकल यहाँ ट्रैप हो जाएंगे यहाँ से स्टमक में मूव करेंगे वहाँ पे एनजाइम्स रिलीज होंगे फिर इंटेस्टाइन में जो है वो कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाएगा और अनएडजस्टेड वेस्ट को एन एस के थ्रू रिलीज आउट कर दिया जाएगा अब अगर की बात करें तो इनमें जो है वो pharynx, ये में कर रहा होता है ठीक है ब्लड में क्या है वो एट यू कैन दिस वन इज एंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल एंड एन अदर वेसल रन पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हार्ट से कुछ फेसल्स निकल रही होती हैं एक तो एंडोस्टाइल की तरफ मूव करके जा रही है और दूसरी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं रिमेनिंग उनकी तरफ जो है वो मूव कर जाती है प्लासम का कलरलेस है और इनमें अमीबॉइड सेल्स भी प्रेजेंट हैं अच्छा जी एक्सक्रीशन में जो है ये एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया एंड अमीबॉइड सेल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करते हैं यूरिक एसिड को अक्यूमुलेट कर लेते हैं एंड पायलोरिक ग्लैंड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन इनका भीट्री फंक्शन होता है

ओके okay, जी मेटामोसिस में क्या है कि डेवलपमेंट इन मेटामोरफोसिस इनका जो लार्वा है वो टेट लाइक लार्वा होता है और चार तकरीबन स्टेजेस हैं जिनसे गुजरते हुए वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो मेटामोस एक ब्रीफ सा पीरियड होता है ऑफ स्विमिंग एंड लार्वा डज नॉट फीड ड्यूरिंग दिस पीरियड ठीक है लार्वा सेटल डाउन हो जाता है सबस्ट्रेड के साथ अटैच हो जाता है और उसकी जो आउटर एपिडर्मिस है वो श्रिंक हो जाती है नोटोकॉर्ड पुल आउट हो जाएगी ठीक है एंड देन इसके जो बॉडी पार्ट है वो स्पेशलाइज टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके okay, जी नाउ विल स्टडी अबाउट द सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा और इसमें हमारे पास एक सैम्पल है एम्फी ऑक्सिस की जिनको ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है टोटल फोर्टी फाइव स्पीशीज है हमारे पास सिफेलो कॉर्डेट्स की ओके okay, जी तो जो सिफेलो कॉर्डेट्स हैं इन्हें लेंसलेट्स भी कहा जाता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है ठीक है एंड दे हैव द फोर कोर्डिएट करेक्टरिस्टिक्स और इनके पास दो जनरा है द फर्स्ट वन इज प्रेंट्रोमा जिसमें एम्फक्स आता है एड सेकेंड वन है ए सीमेंट्रॉन ओके फोर्टी फाइव स्पीशीज हैं इनकी और थ्रू आउट द ओशन ऑफ वर्ल्ड ये लोकेटेड है इन शेलो वाटर्स एक्सटर्नल फीचर्स को अगर हम देखें तो इनकी जो लेंथ होती है अपटू फाइव सेंटीमीटर ये लॉन्ग है टेटपोल लाइक एनिमल है ठीक है इलोंगेटेड बॉडी है और ट्रांसपेरेंट है स्ट्रीमलैंड शेप होती है इसकी फिश की तरह और ये वीक स्विमर्स हैं दे रिमेन यूजली जो इनकी लाइफ है ये स्पेंड करते हैं बाय बायिंग अंडर द मड ठीक है तो ये मट्टी में दबे हुए ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं स्विमिंग की एबिलिटीज इनके अंदर इतनी नहीं होती हैं नोटोकोड और लोकोमोशन को अगर हम देखें तो जो नोटोकोड है इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल ठीक है औरल पोर्शन हेड से टेल तक एक्सटेंड आउट हुई होती है

एक डॉर्सल फिन है एस यू कैन सी ये मीडियम डॉर्सल फिन है और एक यहाँ पे कॉर्डल फिन होता है देन फर्दर इनको हम देखें तो इनमें एक हुड प्रेजेंट है फेरेंस और एट्रियम है इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे ऑरल हुड क्या है जी एस यू कैन सी है इंटीरियर रीजन ओरल हुड जो है औरल हु हु प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ दिल्शन होती है जो के वाइड पे लोकेटेड है बॉडी के एंड हैंग फ्राम देंट्रुड कार्ड दिराई और इनको यूज किया जाता है फॉर फीडिंग ठीक है तो ओरल हुड क्या है एक प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्शन इज बींग हैंग फ्राम द वेंट्र साइड और फ्रॉम दिराई एक, एक सिराए जो है ये हुड है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके साथ अटैच है और फीडिंग में इसको यूज किया जा रहा है ठीक है देन फेरेंग्स एंड स्लिट्स की अगर हम बात करें फेरेंजियल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हुड ओरल हुड की पोस्टीरियर साइड पे माउथ की ओपनिंग है और फिर माउथ ओपन हो रहा होता है फेरेंग में एट्रियम की अगर हम बात करें तो लार्ज फोल्ड है बॉडी वॉल का विच एक्सटेंड वर्टिकली अराउंड ठीक है एंड दिस फोल्ड फ्यूजेस एट देंट्रल मिड लाइन ऑफ द बॉडी विच फॉर्म द एट्रियम

ओके okay, जी तो इनमें न्यूट्रिशन और जो है इसको अगर हम देखें तो ये फिल्टर फीडर्स हैं एंड सीलिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी के लेटरल सरफेस पे और यही सीलिया जो है वो फूड को फिल्टर आउट कर रहे हैं ठीक है फिल्टर आउट करने के बाद फिर माउथ के थ्रू फूड अंदर एंटर हो जाती है वाटर पासिस फ्रॉम द द फेर स्लिट्स एंड मूव आउट थ्रू ठीक है

एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिक के जरिए ही वेस्ट को जो है वो फिल्टर आउट किया जा रहा है सिलोम इनमें रिड्यूस्ड है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए डायशियस है ठीक है आर शेड द द एट्रियम एंड लीव बॉडी इनमें जो गोनेट्स हैं इनके वो gametes को रिलीज कर देते हैं एट्रियम में और वहां से फिर एटीपोर के थ्रू थ्रू वो बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ठीक है और सिमेट्रिकल लार्वा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लार्वा फ्री स्विमिंग है अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन देमिकॉर्डेट एंड द कॉर्डेट्स दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है फर्स्ट वन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन देमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर टेटो लार्वाकोड पोस्टेनल टेल एंड एंडो स्टाइल ओके जी अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पहला है हमारे पास थायराइड ग्लैंड इज डिराइव्ड इन द इवोल्यूशनरी सेंस फ्रॉम द एंडोस्टाइल नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द सिफेलो सो दैट इज प्रैंकियोस्टोमा नंबर थ्री एक्न वर्म्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास एंटीरोनिस्टा नंबर फोर एम्फियोक्सिस इज अ लेंसलेट इन द सब फाइलम सिफेलो

number 7 the development of sexual maturity in larval body form is called pedomorphosis. number 8 tornaria is the ciliated larva of nista. number 9 a dash is a chordate but not a vertebrate so that is lancelet number 10 there are how many species of class pterobranchis so there are 20 species of class pterobranchis okay Number 11, the principal metabolic waste product of acorn worms is ammonia. Number 12, Rhabdoplera belongs to which class? Pterobranchia. Number 13, only one known species is found in this class of hemichordata, that is, Planktospheroidea. Number 14, a ventral ciliated groove of the tunicates is the endostyle. Number 15, one siphon which is inlet for water circulating through the body, that is, oral siphon. Number 16, C-squirt is the common name of hemihurdmania. -her Number 17, a series of the blood sinuses present at the base of proboscis in equine worms is glomerulus. Number 18, the nervous system in hemichordates is epidermal. Number 19, earliest chordates used the pharyngeal gill slits for filter feeding उज okay, वन so, से टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक जितने भी पीपीएससी की तरफ से जोलॉजी के पेपर कंडक्ट किए गए हैं उनमें जो क्वेश्चन हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स से रिलेटेड है ठीक है यानी लोअर कॉर्डेट से रिलेटेड है उनको डिस्कस कर दिया गया यहाँ पे डिटेल में जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनमें डोरसर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और ये क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी जोलॉजी के टू थाउजेंड वन के पेपर में आया हुआ है नंबर टू विच वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइलम कॉर्डेटा तो हैमिकॉर डेटा को एक्सक्लूड किया हुआ है बाकी सिफेलो कॉर डेटा और डेटा ये फाइलम कोर डेटा के ही लोअर डेट्स हैं ठीक है एंड दिस क्वेश्चन बीन टेकन फ्रॉम 2004 पेपर नंबर थ्री स्लिट्स इन द कॉर डेट्स आर प्रेजेंट इन ठीक है इसलिए इनको फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहा जाता है और ये क्वेश्चन टू के पेपर में आया है Number four, gill slits in amphioxus are present in the pharynx. Okay, so a question is from 2006. Se hai. Number five, amphioxus belongs to the cephalochordates. Okay, and this question has been taken from 2009. Number six, the urochordates or the tunicates are marine animals commonly known as the sea squirts. and this question has been taken from 2009 ppsc zoology paper so ye the ji hamare uh, aaj ke topics the hemming core and the core data isme humne hemming core data ki teen classes ko discuss kiya hai detail mein theek hai aur jo phylum core data hai उसके further हमारे पास तीन sub फाइलम्स थे उनमें से हमने दो sub फाइलम्स को detail में discuss किया और जो last one है Vertebrata उसकी तमाम क्लासेस के ऊपर अलग से वीडियोज हैं वो बनाई जा चुकी हैं ऑलरेडी सो दिसल फ्री मेडिकल का एग्जाम दे चुके हैं एंड नाउन दे वॉन्ट टू सिक्योर एडमिशन इन एम बी बी एस इन बी डी एस इन फॉर्मेसी इन डी पी टी या अलाइड हेल्थ साइंसिस के किसी भी डिपार्टमेंट में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है एटसेट्रा एट्सेट्रा तो किसी भी फील्ड में एडमिशन के लिए आप अगर कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं नम्स का टेस्ट है ए का टेस्ट है कोई भी ठीक है तो उसमें आपको हेमी कॉर डेटा और कॉर डेटा की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत फ्रूटफुल प्रूफ होगी इन एज वेल एज जो कैंडिडेट्स कुछ गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं ठीक है एट द सेवनटीन स्केल ट्रू पी पी एस सी के पी पी एस सी एफ पी एस सी एस पी एस सी एंड बी पी एस सी सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इसमें जो टेक्स्ट बुक्स हैं ठीक है एंटर की और उसके बाद बैचलर लेवल्स की बुक्स हैं मिलर एंड हार्ले हिकमेन कारवन और रावन तो इन सब में से आपके लिए मेटीरियल जो है वो इसमें एकॉर्ड कर दिया गया है एंड उसको समराइज कर दिया गया है ठीक है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ डिस्कस कर दी गई है ओके जी सो so, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए अल्ला हाफिज